और ODIs के बाद अब T20 इंटरनेशनल सीरीज भी हो चुकी है कंक्लूड। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई ये 3 मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज जो प्लेयर्स और फैंस दोनों के लिए एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी, उसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है। ये T20 इंटरनेशनल सीरीज में क्या हुआ जानेंगे इस वीडियो में। पहला T20 इंटरनेशनल मैच 5 जनवरी को खेला गया था, जहाँ इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बोलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को 19.2 ओवर्स में 141 रनों पर ऑल आउट कर दिया। स्पेशल मेंशन देना पड़ेगा यंग पेसर तितास साधु को, जिन्होंने 17 रन्स देकर 4 अहम विकेट चटकाए और इंडियन ओपनर स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के रिकॉर्ड तोड़ 137 रनों की पार्टनरशिप के बदौलत इंडिया ने 142 का लक्ष्य काफी आसानी से 17.4 ओवर्स में ही चेज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। दूसरा मैच जो 7 जनवरी को हुआ, वहां टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले बोलिंग करने का फैसला किया। बैटिंग करने आई इंडियन टीम 20 ओवर्स में केवल 130 रन ही बना पाई और ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर्स में 131 का टारगेट चेस किया और मैच को अपने नाम कर सीरीज 1-1 से लेवल कर दी। एलिस पेरी, जिन्होंने 34 रनों की एक नाबाद पारी खेली, वे अपना 300 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी और उन्होंने एक 6 मार्क कर मैच को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। अब 9 जनवरी को जब सीरीज दांव पर थी, तब खेला गया तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला। टॉस, जो इस पूरी सीरीज में जीत के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो रहा था, वो इस मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियन कैप्टन अलीसा हीली ने जीता और उन्होंने टीम में कोई बदलाव ना कर फिर से एक बार बोलिंग करने का फैसला किया। बैटिंग करने आए इंडिया की शुरुआत तो काफी दमदार रही, पर शेफाली, स्मृति, जेमिमा और हरमनप्रीत कौर के लगातार विकेट गिरने के बाद ऋचा घोष ने इंडिया की डोर अमनजोत कौर के साथ संभाली और 147 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर बनाया। पर अलीसा हीली, जो अपना 150th T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, और बेथ मूनी का क्या ही कहना, इन दोनों के हाफ सेंचुरीज के चलते ऑस्ट्रेलिया ने 148 का टारगेट केवल 3 विकेट्स खोकर ही चेस कर दिया और ये मैच के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। एनाबेल सदरलैंड, जिन्होंने 4 ओवर्स में केवल 12 रन्स देकर 2 अहम विकेट चटकाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और अलीसा हीली को प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। इंडिया ने भले ही सीरीज ना जीती हो, लेकिन इंडियन फैंस ने सभी का दिल जीत लिया। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने विमेंस क्रिकेट को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब टीम इंडिया अपना अगला इंटरनेशनल मैच कब खेलेगी हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि विमेंस प्रीमियर लीग के 2nd एडिशन की शुरुआत काफी जल्द होने वाली है। विमेंस क्रिकेट के बारे में ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए फीमेल क्रिकेट को फॉलो करें।